नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में खासकर बता दें कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्या के बाद लोगों का आना जाना लगा है। इस बीच मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, उनके साथ उनका बेटा और जो उनकी पत्नी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके सभी लोग मौजूद हैं। और आज यहाँ अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन करने के लिए मदन सहनी पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश सहनी के घर पहुंच गए हैं। देख सकते हैं उनका बेटा यहां सामने है और सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। इंटरव्यू सुनिए मदन सहनी ने क्या कहा है इस अवसर पर। जिस तरह से हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किसी को उससे बहुत घटना है, इन सबको कई टुकड़ों में काम हुआ। हाँ, वो जानकारी मिली हमको और सुबह में ही इस घटना की जानकारी मिली और उसके बाद से हम लोग पटना चले गए थे। सर अभी वहाँ से चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं। सारी घटना का हम लोग को जानकारी मिला, यहाँ जो पुलिस प्रशासन पहुँची थी उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और पकड़े भी जाएंगे लोग, कोई छूटेंगे नहीं। जितना घटना का हम लोग निंदा कर सकते हैं और जिसने भी किया वो बचेंगे नहीं, निश्चित रूप से पकड़े भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे और सजा देंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। SSP से भी बातचीत की है, यहाँ के DSP से भी बातचीत की है और अभी हम लोग उनके अंतिम संस्कार में आए हैं। मुकेश सहनी जी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तो बॉम्बे में थे, आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आने के बाद अंतिम संस्कार होगा और निश्चित रूप से जो घटना घटी है इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है और पूरे बिहार से लोग आए हैं अंतिम संस्कार में। सभी लोग व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को भगवान शक्ति दी, भगवान से प्रार्थना।